नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे भक्ति आराधना चैनल में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शनि व्रत अग्नि पुराण के अनुसार शनि ग्रह की से मुक्ति के लिए मूल नक्षत्र युक्त शनिवार से आरंभ करके सात शनिवार शनिदेव की व्रत एवं पूजा की जाती है। शनि देव जी की कथा इस प्रकार है। एक समय सभी नवग्रहों सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्र इससे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण रजत कांस्य पीतल सीसा रांगा जस्ता अभ्रक और लौह से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिए। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में एक महीना, चंद्रमा सवा 2 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र एक एक महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण की आने पर उसकी लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे व एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा जो ही उस पर बैठा वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भीषण वन में पहुंच वह अंतर्धान हो गया और राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने साथ घर ले गया। वहां उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब था। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने भी उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वह चौरंगिया बन गया और नगर के बाहर फिंकवा दिया गया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीप से बैलों को हांकने लगा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था वहां की राजकुमारी मनभावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है।
परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले ही दिन से उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से। उसे बहुतेरा समझाने पर भी जब वह ना मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ना दे। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा और व्रत कहेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख ना होगा। जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। प्रातः आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। वीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तब ही मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवरी से पाणी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले। वहां पुरवासियों ने सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई व सबने खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनि देव को सबसे छोटा बताया था जबकि असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई शनि देव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर फेसबुक पेज, लाइक द वीडियो।